नमस्कार। प्लीज बैठ जा। दोस्त, मैं अपनी कोई भी बात कहने से पहले उस परमपिता परमेश्वर के लिए मैं चाहूंगा, आज शानदार जीवन मेरी जिंदगी के लिए दिया, मैं चाहूंगा उनके लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए, जोरदार दिल खोल के। थैंक यू। उसके बाद मैं अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले हमारे सामने बैठे ग्रेट मेंटर्स जिन्होंने आज एक शानदार कंपनी की नींव रखी, एक रॉयल ड्रीमर्स टीम की संस्थापना की, जिसके वजह से हमारे आम व्यक्ति के लिए एक रास्ता क्रिएट किया सर ने, दिखाया। हम चाहेंगे हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर लीडर श्रीमान माधव सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। उसके बाद मैं सर का बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं, श्रीमान परशुराम सर का, क्योंकि कहीं ना कहीं सर भी जॉब में थे, उसी जॉब में थे, सर को मुझे देखने का मौका मिला था। दोस्त, जब देखने का मौका मिला था तो मेरी जिंदगी भी बहुत ही नॉर्मल थी, बहुत कुछ था नहीं, लेकिन बस इतना समझ में आया कि यार अगर ये वही काम करके यहां से अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर मेरे जीवन में जितना भी बदलाव हुआ, बदलाव के पीछे उस व्यक्ति का बहुत ज्यादा रोल रहा है। मैं चाहूंगा हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा के स्रोत श्रीमान परशुराम सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू। उसके बाद मैं श्रीमान दीपक शर्मा सर, जिनकी उम्र बहुत छोटी थी जब मेरे से मुलाकात हुई थी, लगातार इनके द्वारा जो गाइडलाइन मिली, मैं उस गाइडलाइन को लगातार फॉलो किया। फॉलो करने के बाद आज मैं उनको बताऊं कि नवयुवकों के लिए रोल मॉडल, मेरे लिए भी वो रोल मॉडल के रूप में ही आ गए। मैं कहा यार इतनी छोटी सी उम्र वाला बंदा अगर ये सब कुछ कर सकता है तो मेरे अंदर तो कहीं के उम्र का ज्यादा है। मेरे पास एक जॉब भी था, उसका भी था। मैं चाहूंगा श्रीमान दीपक शर्मा सर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्त, इसी बीच में पड़ाव में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो कि वो भी मेरे ही विभाग में जॉब करते थे, और उनका व्यक्तित्व तो मैं देखा था, एकदम सादगी व्यक्तित्व। बोले हर बात में जो भी कुछ होता था बताते थे कि सर सब कुछ हो सकता है। कभी भी उनको मुख से मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं ये सारी चीजें नहीं हो सकती। जब भी मिला हर बार बोले सर जो भी होता सब बढ़िया होता है, जब भी होता सृजन सब बढ़िया होता है। मैं उनके इस बात को लेके मैं कहा यार ईश्वर का ये दूसरा बात है, क्योंकि ऊपर वाला भी बोलता है कि जो भी होता सब अच्छा होता है। मैं चाहूंगा श्रीमान बृजभूषण सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिन्होंने उंगली पकड़ के सिखाया बिजनेस को, ABCD पढ़ाई। बोले कि सर मुझे तो बहुत कुछ आता नहीं है, मैं तो मोटा मोटा जानता हूं, मोटा मोटा कमाता हूं। मैं भी कहा सर मुझे भी मोटा मोटा चाहिए, और मैं चाहूंगा उन्होंने ABCD सिखाई इस बिजनेस को, कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे ABCD सिखाई। मैं चाहूंगा श्रीमान घनश्याम यादव जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्त, नाम श्रीचंद है, जैसा कि आप सारे लोग डॉक्यूमेंट्री में देखे हैं। आज से कुछ साल पहले बिजनेस देखने का मौका मिला। जब बिजनेस देखने का मौका मिला, उससे पहले की बातें मैं करूं, बैकग्राउंड की बातें करूं, डॉक्यूमेंट्री में आप सारी चीजें देखा है आपने, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड का था, चाहत बहुत ज्यादा थी, लगातार एजुकेशन फील्ड में था, कुछ बड़ा करना चाहता था, मन में बहुत सारी चाहत पहले से थी। जब ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला, दिखाने वाले कोई और नहीं थे, मेरे मित्र थे जो मेरे साथ जॉब किया करते थे, वो बताए श्रीचंद जी अगर आप यहां से एक सामान लेके शुरुआत करते हैं आपकी जिंदगी आलीशान हो जाए। हमने कहा सर ऐसी कंपनियों के बारे में मेरे को बहुत सारा पहले से नॉलेज था, क्योंकि जॉब करने से पहले मैं सहारा में काम करके आया था, लगातार 3 साल सहारा में भी काम किया था, चाहत पहले से बड़ी थी। मैं कहा सर ऐसी सारी बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, ये सब कहने की बात है। मैं तैयारी कर रहा था, उसे सिविल सर्विसेज के पीसेस वगैरह की तैयारी कर रहा था, उसी बीच में मुझे ये काम देखने का मौका मिला। बहुत सारा कुछ भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन बार 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 मेरे मित्र थे मुझे बताते थे कि यार आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, आपकी लाइफ स्टाइल। तो पीछे पलट के देखता था जीवन को, जैसा आप देखे होंगे पीछे पलट के देखता था, लगता था यार जीवन में कुछ है नहीं, और ये बता रहे हैं कि अगर एक सामान ले लेने से जिंदगी बदल सकती है तो एक बार ट्राई करने में जाता क्या है। बार बार कहने के बाद मन में एक विचार आया, और 2 साड़ी 1 सूट का पैकेज लेकर उस समय मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करी। शुरुआत करने के बाद फिर भी लगातार मैं तैयारी कर ही रहा था,
उसी बीच में मैं कहा सर ने बताया कुछ लोगों को जानकारी दिलाइए आपका पेमेंट्स आ जाएगा बढ़िया हो जाएगा। मेरी भी चाहत थी कि कुछ पैसे आवे क्योंकि जो जॉब से इनकम आती थी उस इनकम से सिर्फ नॉर्मल जिंदगी चलती थी। महीने के 25 तारीख होते थे तो मैं आपको बताऊं जीवन के 14.5 साल अपने लाइफ के 14.5 साल काटने के बाद दोस्त मैं जॉब में कर रहा था 14.5 साल करने के बाद भी पैर में ढंग का जूता नहीं आया था। ये रही जिंदगी मेरी। लेकिन सर ने बताया मैं कहा ठीक है यार जिंदगी तो ऐसे चली रही है चलिए सर बताते हैं एक शुरुआत तो करते हैं। शुरुआत किया कुछ लोगों से मिलना शुरू किया सर बताया कि आपकी जिंदगी आलीशान हुई। हर आदमी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हाँ या ना। मैं भी बदलना चाहता था आपकी तरह ही। शुरुआत किया सबसे पहले सर ने लिस्ट बनवाई कि सृजंदे लिस्ट बनाओ लिस्ट में लोगों को जानकारी दो। मैं लगातार लिस्ट बनाया लिस्ट में सबसे पहले आदमी अपने लोगों को रखता है। मैंने लिस्ट में सबसे पहले अपने नात रिश्तेदार सबको रखा और सबको बारी बारी से बताना शुरू किया कि सर आप यहां से अगर एक सामान ले लेंगे तो आपकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। सब बोले कहां फंस गए हो आप ये कोई कंपनी है ये कोई काम है ये बेचने वाला काम कहां से शुरू कर दिए। सारे लोगों ने यहां तक कि मैं जिनको पढ़ाया लिखाया जिनको पढ़ाने लिखाने में अपनी जिंदगी में भूल चुका था। मेरे छोटे भाई यहां पे बैठे हैं उनको पढ़ाने में मैं अपनी लाइफ को भूल चुका था। मैं उनको दिखाया वो भी जॉब कर रहे थे मैंने उनको बताया कहा भैया कहां से फंस गए इस चक्कर में ये कोई कंपनी है। मेरे अपनों ने भी मुझे बहुत सारा बोला कि नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है ये सब बकवास की बातें हैं सब बेकार की बातें हैं ऐसी कंपनियां आती नहीं है चली जाती है आप अभी आए हो हम तो आज से पहले करके चल गए। और जिस कंपनी को आज आप शुरुआत कर रहे हो इस कंपनी को आज से 20 साल पहले मैं करके छोड़ दिया। मैं बोला कि यार 20 साल पहले से बाद कंपनी आई है 20 साल पहले आदमी बोला छोड़ के चला गया तो मन में बहुत सारे विचार आए। और मन में ऐसे विचार आने के बाद जब अपने लोगों ने मेरे को बोला सबसे ज्यादा अपने लोगों ने मुझे कोसा मेरे यहाँ पे बहुत सारे नात रिश्तेदार हैं मेरे बड़े भैया भी हैं यहाँ पे बैठे हुए सारे अपने लोगों ने किसी ने छोड़ा नहीं। लेकिन जब ऐसे सब बोल रहे थे नहीं होता नहीं चलता नहीं होता नहीं चलता है बेकार की कंपनी है ऐसी कंपनी आती है चली जाती है मेरे मन में भी विचार आया डाउट हो क्योंकि मैं भी इंसान हूं मेरे मन में भी विचार आया यार जो कह रहे हैं हो सकता है सही कह रहे हो नहीं चलेगी कंपनी। और मैं फिर किताब को उठा लिया लप करने लगा किताब से सर कहते थे चलो प्लान दिखाओ मैं कहा नहीं सर नहीं। उसी बीच में मुझे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था बिजनेस में उन्होंने मुझे बुलाया और बैठाया बैठा के बताया श्रीचंद जी जिंदगी पीछे 14 साल देख लो आपके 14.5 साल जॉब को देख लो आप 14.5 साल में भी जिंदगी बदली नहीं है और आने वाले आप 60 साल में उनको देख के जाओ जो आज रिटायरमेंट होके जा रहे हैं उनकी भी जिंदगी इसी तरह रहती है बदलती नहीं है। मैं कहा सर मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि जिनके पास मैं जाता था वो सारे अपने थे और सारे लोगों ने मेरे को बोला किसी ने छोड़ा नहीं किसी ने छोड़ा नहीं। सारे लोग बोलने लगे सर ने मुझे एक बात समझाई मैं जरूर वो बात शेयर करूंगा क्योंकि वो बात की वजह से मेरी जिंदगी आज बदल गई। बोले श्रीचंद जी चाहे आप इस काम को करो या ना करो चाहे आप इसको करो या मत करो लेकिन मेरी एक बात सुन लो। मैंने कहा सर बता दीजिए। सर ने मुझे एक कहानी के माध्यम से बताई कि श्रीचंद जी एक पहाड़ से दो पत्थर निकलते हैं एक पहाड़ से दो पत्थर निकलते हैं और पहाड़ से पत्थर निकल के आते हैं एक दुकानदार लाता है और उसी दुकानदार के यहां से एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है वो दोनों पत्थर को खरीद के लेके आता है और उसमें मूर्ति का आकार देना शुरू करता है। जैसे पहले ही पत्थर को उठाता है चोट मारता है एक दो छीनी मारता है पत्थर टूट जाता है उसको उठा के साइड में रख लेता है फिर दूसरे पत्थर को भी उठाता है और उसको भी चोट मारता है और शानदार मूर्ति बन के तैयार हो जाती है और एक आदमी आता है जो मूर्ति को खरीद के ले जाता है मूर्ति को खरीद के ले जाने लगता है तो देखता है बगल में पत्थर जो पड़े हैं कहे भाई अगर किसी काम का ना हो तो इस पत्थर को भी मैं अपने साथ लेते जाऊं। बोले भाई हाँ लेते जाओ तो बेकार ही है टूट गया इस किसी काम का है इसका कुछ बनेगा नहीं। वो आदमी उस जो मूर्ति को ले जा रहा था उस पत्थर को भी लेके गया मूर्ति को ले आके मंदिर में बढ़िया स्थापित किया और मंदिर में स्थापित करने के बाद थोड़ी सी ऊंचाई पे थी तो उस पत्थर को सीढ़ियों के रूप में यूज कर लिया और मंदिर में लगातार चढ़ावे चढ़ने शुरू हो गए और लगातार हर आदमी आता था
बढ़िया फूल मालाएं लेके दूध सेव पनीर जो भी चढ़ाना था सब चढ़ाता था और हर आदमी सीढ़ी पे अपने जूते को उतारता था और ऐसे प्रक्रिया चल रही थी। कुछ वक्त के बाद वो सीढ़ी वाला पत्थर उस मूर्ति से बोला, दोस्त तेरे क्या मजे हैं, तेरे क्या मजे हैं, हम दोनों में क्या फर्क है यार, हम दोनों लोग एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह से, एक जगह से वहीं से निकले हैं, और एक ही आदमी ने वहां से लाया, एक ही मूर्तिकार लाया और एक ही आदमी यहां पे लाया, हम दोनों लोगों का एक ही आदमी लाया, और बताओ हम में तुम में क्या फर्क है, तुम्हारे ऊपर इतने सारे फूल मालाएं चढ़ते हैं और हमको यहाँ पे सारे लोग हमारे ऊपर जूते उतारते हैं, क्या फर्क है। तो वो मूर्ति वाला पत्थर बहुत प्यारा सा जवाब दिया, जानना चाहते हैं, मूर्ति वाला पत्थर ने बोला, दोस्त कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, सेम है हम दोनों लोग, एक ही जगह से निकल के आए, कोई फर्क नहीं है, फर्क बस थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा चंद फर्क है, फर्क यह है कि पहले मूर्ति बनने का मौका आपको मिला था, पहले मूर्ति बनने का मौका आपको मिला था, लेकिन जैसे ही उस मूर्तिकार ने थोड़े से छीने और थोड़ी मारे आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर दोबारा उसने मुझे उठाया और मुझे उठा के मुझे भी मूर्ति का रूप देना करा, मुझे भी चोट मारी, 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 लेकिन मैं टूटा नहीं, मैं टूटा नहीं, इसलिए मैं मूर्ति बन गया। थैंक यू। मेरे मित्र ने बोला, दोस्त वो वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, अपने बीच के लोग, समाज के लोग, अपने नात रिश्तेदार परिवार के, जो सारे लोग आपको चोट मार रहे हैं, चोट मार रहे हैं, और अगर दोस्त आप टूट जाएंगे तो आप नाकाम की जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, और अगर आप बर्दाश्त कर लिए तो एक शानदार जिंदगी होगा। उस दिन मैंने सर से वादा किया, कमिटमेंट किया कि गुरुजी आशीर्वाद बना के रखिए, आशीर्वाद बना के रखे। लोगों ने लगातार चोट मारी, फिर भी बर्दाश्त करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, कुछ ही साल हुआ और बर्दाश्त करता रहा, करता रहा। दोस्त बर्दाश्त कर लेने की वजह से सर ने जो बात बोली थी कि अगर बर्दाश्त कर लोगे तो शानदार जिंदगी हो जाएगी, दोस्त बर्दाश्त कर लेने को, आज मुझे वो बात, सर की वो बातें मेरे जीवन में लागू हो गई, और सिर्फ बर्दाश्त किया, लगातार चार साल पांच साल बर्दाश्त कर लेने की वजह से आज जिंदगी आलीशान हो गई, आज मैं आज रात इतना सबरा मान सम्मान प्यार, आज जहां भी जाता हूं लोग फूल मालाओं से पूजते हैं, ये जिंदगी हो गई आज इस सेठ साहब की वजह से। थैंक यू दोस्त, जीवन बदल गया, लेकिन लगातार काम करना शुरू कर, डिसीजन तो लिया कि नहीं गुरुजी अब करूंगा, बातें नहीं सुनूंगा, लेकिन हम भी इंसान हैं, क्योंकि जब अपनों के बीच में जाते हैं तो अपने सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, कहाँ आ गए यार, ये कौन सा काम है, सारे लोग ऐसे बोलते रहे, फिर भी लगातार काम करता रहा, लगातार काम, घर की परिस्थितियां बहुत ही खराब थी, हालात खराब होने की वजह से दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरा, मुझे यही एक रास्ता दिखा, क्योंकि जीवन के बहुत साल हो गए थे दोस्त, मैं आपको जान, जीवन के 14.5 साल हो गए थे, 14.5 साल में कभी भी अपने मन से माँ बाप के लिए क्लॉथ नहीं खरीद के दिया था, कभी भी नहीं दे पाया था, चाहती कोई फंक्शन पार्टी होती थी उस समय तो चलो ठीक है, सबकी सामूहिक खरीदारी हो जाती थी, लेकिन इस बिजनेस में आए तो सारे लोग ड्रीम बनाए, ड्रीम की वजह से सारी चीजें पूरी हुई। आज मेरे जीवन में मेरे माँ बाप दोनों लोग नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि अगर वो शायद नहीं होते, वो शायद अगर इस दुनिया में नहीं होते, नहीं आते, तो श्रीचंद पटेल का कोई वजूद नहीं होता। मैं चाहूंगा मेरे माँ बाप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उसके बाद लगातार काम करना शुरू किया, सारे लोग बोलते रहे कि नहीं होता है, नहीं होता, नहीं चलता है, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनसे मैं लगातार मुलाकात होती थी, मेरे जहां भी ट्रेनिंग मीटिंग में जाते थे हर आदमी यही बोलता है, दोस्त टिके रहना, इतिहास बना के जाओगे, टिके रहना, जिंदगी आलीशान हो जाएगी, टिके रहना, जाना मत कहीं, ये जालिम दुनिया है, छोड़ती नहीं किसी को, जहां भी आपको कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, हर जगह आपको प्रूफ करना पड़ता है, ये सुनो, हर जगह आपको प्रूफ करना पड़ता है, और सर ने बताया आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा, हाई स्कूल का परीक्षा देना, वहां भी पास होने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है, और आप अपनी जिंदगी को आलीशान बनाने की बात कर रहे हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। दोस्त लगातार काम करता गया, काम करता गया, बिजनेस लगातार शानदार तरीके से रनिंग में था, शुरुआत किया, लेकिन लगातार कहीं के बीच में फिर उतार चढ़ाव आता है, और उतार चढ़ाव के बीच में
मेरे मन में बहुत सारे विचार आए, मेरे मन में बहुत सारे विचार आए। मुझे लगा कि यार चल तो रहा है ठीक ठाक, लेकिन उसी बीच में फिर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बोला कि सर आप कहां फंस गए हो, आप इससे बढ़िया तैयारी करते बढ़िया हो जाते, आप कहां फिर फंस गए। मेरे को इतना ज्यादा, वो मेरे बहुत ही क्लोज हैं, बहुत नजदीक के हैं, उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया कि मुझे इस बिजनेस को लेकर मेरे को डाउट होने लगा। फिर भी मेरे को डाउट होने लगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, इस तरह से विचार हो रहा था। फिर सर ने बताया कि यहां से बताया कि जिंदगी आलीशान है, सिस्टम से चलना, सिस्टम से। हमने कहा सर बड़ी काबिल है, इनके अंदर सारी काबिलियत है, काबिलियत की जो से ये तो डायमंड बन सकते हैं, लेकिन शायद मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो बहुत सारे विचार आ रहे थे, लेकिन सर ने उसी में एक कहानी बताई थी, एक बात मेरे को बताई थी कि उन्होंने बताया था कि काबिलियत से नहीं चलती है। सर ने बताया काबिलियत से नहीं, सर ने एक उदाहरण दे के था, बताया कि एक बिटिया थी जो गुब्बारे थे, गुब्बारे उड़ रहे थे, तो गुब्बारे नीले थे, पीले थे, काले थे, ऐसे बहुत सारे थी, लड़की भी काली थी, और वो जो गुब्बारे थे उसमें वो ऊपर उड़ा था, तो जो गुब्बारे वाला था वो काले गुब्बारों को मिली, लड़की बताई कि गुब्बारे वाले भैया ये काला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या, ये काला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या। तो गुब्बारे वाले ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया कि बिटिया ये गुब्बारा रंग के वजह से नहीं उड़ता है, ये जो गुब्बारा है रंग के वजह से नहीं उड़ता है, इसमें जो गैस है उसके वजह से उड़ता है। सर ने मुझे बताया कि काबिलियत से बिजनेस नहीं चलती है, बिजनेस से सिस्टम की वजह से चलता है। सेल्स ऑफ सिस्टम लगातार 19 साल से चल रहा है, और अगर जो भी चलेगा वो 100% डायमंड बनेगा, 100% डायमंड बनेगा, 100% डायमंड बनेगा। थैंक यू सर की वो बातें मेरे को भी समझ में आई कि सर बता रहे काबिलियत से नहीं चलती है, सिस्टम से चलता है। उस दिन से मैं बिजनेस की ABCD काबिलियत छोड़ दी, हटा दी, अपनी एजुकेशन को हटा दिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो सब सब कट 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 सब कुछ हटा दिया। सर बताया गुरु जी सिस्टम क्या है, सिस्टम बताए कि ये सिस्टम जो बातें थी वो सिस्टम था। उस दोस्त उन्हीं सिस्टम की बातों को लगातार अपने जीवन में लागू किया, गुरु जी के लगातार गाइडलाइन में काम करता गया, लगातार करता गया। करने का नतीजा ये रहा कि कुछ भी हमने अलग नहीं करी, कुछ भी अलग नहीं करी, क्योंकि अलग करना होता तो और कहीं भी कुछ कर लिए होते, इतनी काबिलियत रहती, तो कोई अलग काबिलियत नहीं थी। सिस्टम को बातों को माना, मान के लगातार काम करता गया। लगातार एक ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा, जिन्होंने बहुत बड़ा मेरे जीवन में उपकार किया, शायद अगर वो नहीं होते तो अपनी जिंदगी उसी 4 फीट जो होती है 3.5 इंच की आदमी सीलिंग बिछाता, ये बहुत सारी बातें करता, उसी में उलझ के रह जाती दोस्त। लेकिन वो लगातार मेरे साथ रहे, उंगली पकड़ पकड़ के उठाए। माँ बाप और ईश्वर के बाद, माँ बाप के बाद अगर मैं किसी एक व्यक्ति का दर्जा दूंगा तो उस व्यक्ति को जरूर दूंगा, क्योंकि विचार बहुत सारे मेरे आए, लेकिन उन्होंने हर विचारों को, मेरे विचारों को उठने नहीं दिया, वहीं पे दबा दबा के रखा। जो मेरे मित्र भी हैं, मेरे जीवन के आइडियल भी हैं, गुरु हैं, रोल मॉडल, जिन्होंने जिनको मैं लगातार माता पिता ईश्वर के बाद दूसरा दर्जा देता हूं, क्योंकि शायद अगर वो नहीं होते, उन्होंने ये सारी चीजें नहीं मुझे बताई, तो जिंदगी आज भी कहीं ऐसे जगह पे उलझ के रह जाती। मैं चाहूंगा ऐसे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट आइडियल्स, क्योंकि उनकी वजह से आज जीवन में जितनी सारी खुशियां हैं, मैं बताऊं कि बिजनेस की वजह से, मैडम बताई, कार वगैरह सारी चीजें आप नॉर्मल हो गए, जीवन आज बेहतर हो गया, लाइफ स्टाइल से जिंदगी जीत रहा हूं। और अभी दोस्त मैं बताऊं, सिर्फ उनकी वजह से और शानदार सेफ सब कंपनी की वजह से, जो व्यक्ति कभी भी 5 स्टार होटलों के बारे में सोचता नहीं था, इस बिजनेस के माध्यम से लगातार 5 स्टार होटलों में हर महीने के 2-3 बार मीटिंग हो जाती है, वहां रहने का मौका मिल जाता है। लेकिन दोस्त जिस व्यक्ति के जीवन में सॉफ्टवेयर में कभी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर की यात्राएं कभी भी सोचा नहीं था कि यार ये भी हमारे जीवन में आएगा, कभी सोचा नहीं था। 14.5 साल तो आप देख रहे हैं जिंदगी कैसे कटी, तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन थैंक्स सेफ शॉप कंपनी, थैंक्स महागुरु लोग, और थैंक्स वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया, मेरे को बताया बार बार कि आप कर सकते हो।
अभी व्यक्ति, ये जो व्यक्ति आपके दो दिन पहले यहाँ से विदेश की यात्रा करके थाईलैंड पटाया बैंकॉक की मैं यात्रा करके अभी दो दिन यात्रा करके आया हूँ अभी बाहर विदेश से, थैंक यू। वहां विदेश की यात्रा करके आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मेरे जैसे बैकग्राउंड के आदमी को विदेश यात्रा करा दी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्त उससे बड़ी बात यह है, ये बिजनेस की पावर, ये सिस्टम सेफ साहब महागुरुओं के आशीर्वाद की वजह से जो व्यक्ति कभी भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मंजिले तक यात्रा करता था, इस बिजनेस के माध्यम से अभी शानदार महागुरुओं की कृपा की वजह से विदेश में बैंकॉक में 43 मंजिल पे शानदार डिनर करने का मौका मिला। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था, वो सबसे बड़ा दिन था 43वें, जिसको आदमी यहां से देखे तो उसकी टोपी गिर जाती, वहां पे डिनर। इस बिजनेस की पावर है, एक आम आदमी को कहां से कहां उठा के लेके चला जाता है ये बिजनेस की पावर। जिंदगी दोस्त आज आलिशान है, बच्चे मेरे हैं, मेरे बच्चे बोले अपने हिसाब से स्कूल सेलेक्ट करते हैं, अपने हिसाब से टीचर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरा बेटा, मैं आपको यहां से मंच के माध्यम से बोलता हूं, मेरा बेटा यहां पे है, मेरी बेटी है, अगर वो 1000 रुपया मांगती है तो मैं पूछता नहीं हूं कि 1000 का तू करेगी क्या, इतना ही पूछता हूं बेटा कितना चाहिए, बोलेगी 1000, और 1000 पहले देता हूं, बाद में क्वेश्चन नहीं करता हूं, और पहले 10 रुपया भी देता था तो पूछता कि क्या करोगे इसका। और ये सेफ साहब की पावर है दोस्त, 1000, 2000, 4000 भी अगर मांग लेते हैं तो पूछता नहीं हूं कि बेटा करोगे क्या, क्योंकि संस्कार ऐसा है, मुझे पता है कि अच्छे जगह ही लगाएगी, पूछता नहीं हूं। ये पावर है, ये सिस्टम और सेफ साहब की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई दोस्त। लेकिन इसके पीछे एक व्यक्ति का बहुत ज्यादा रोल रहा, ये हमारे सामने गुरु माता जी लोग भी बैठे हैं, इनका भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोग भी रात में 12 बजे 1 बजे भी जाते थे, तब पर भी खाना बना के खिलाई हैं, तो बहुत ज्यादा रोल रहा मिसेस बीबी सर का, मिसेस घनश्याम जी का बहुत ज्यादा। और एक व्यक्ति हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करके ही समापन करूंगा, क्योंकि अगर शायद वो नहीं होते तो अपनी जिंदगी में जितनी भी सेलिब्रिटी जिंदगी आज जीता हूं, जो लाइफ स्टाइल से जिंदगी जी रहा, तो सब कुछ भी नहीं होता। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स, जीवन के मार्गदर्शक खेवनहार और मैडम हैं भाभी जी, उनका भी बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मैं, क्योंकि बहुत बार उन्होंने भी मुझे बहुत रात में 2-2 बजे भी खाना बना के खिलाया है। इस बिजनेस की पावर में देख पा रहा था कि यार ऐसे अनजान आदमी जो आज से पहले कहीं कुछ नहीं था, वो आज इस परिवार का हिस्सा बन गया है, कि हम लोग जीते खाते उठते सब जगह एक हैं। आज मेरे बड़े भाई भी हैं वो, लेकिन बड़े भाई से ज़्यादा मेरी जिंदगी के केवनहार हैं। मैं चाहूँगा अगर मेरे लाइफ में जितना भी सक्सेस मिला है, उन सभी सक्सेस के पीछे अगर एक व्यक्ति नहीं होते तो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं 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 किसी कोने में पड़ी होती, कुछ नहीं होता। मैं चाहूंगा हमारे जीवन के रोल मॉडल जिन्होंने मुझे बिजनेस में ज्वाइन कराया, उठाया, बच्चों की तरह केयरिंग किया, छोटे बच्चों की तरह पाला, डांटा फटकारा सब कुछ किया, लेकिन करने के बाद आज हीरो बना दिया। मैं चाहूंगा श्रीमान अक्षय यादव और भाभी सुषमा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्त जिंदगी आलीशान है, बहुत ही बढ़िया जीवन आज है। आज का दौर मैं बताऊं तो आज लग्जरी जिंदगी है, जिस जिंदगी को चाह था 14.5 साल करने के बाद भी तमन्ना माइंड में सपने थे, आज वो सारी चीजें यहां से पूरी हो जाए, आज जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। बस मैं इतनी ही बात बोलूंगा दोस्त, ये कंपनी लगातार प्रूवल है, लगातार हमारे सारे मेंटर महागुरु लगातार इनकी एक एक बड़ी बड़ी गाइडलाइन मिलती है, जिनकी वजह से एक नॉर्मल आदमी भी अपनी जिंदगी को शानदार बना सकता है। मैं आपके साथ हूँ सिस्टम का हाथ, और हमारे सारे गुरु महागुरु लोग आपके साथ हैं। बस आप चलने का डिसीजन लेना दोस्त, चलने का डिसीजन लेना। ये श्रीचंद पटेल का आज यहां से मन से आह्वान है, मन से आह्वान करके जाता हूं, आज मन से आह्वान करता हूं कि आप चलने का डिसीजन लेना। आपका लेवल कुछ भी होगा, चाहे फ्रेशर हो, सिल्वर हो, रेडर क्लब, जो भी लेवल होगा, श्रीचंद पटेल आपके साथ फ्रेशर के रूप में काम करेगा, और जब तक आपको डायमंड नहीं बना गया, घर में बैठेगा नहीं, घर में नहीं बैठेगा, चलने का डिसीजन लेना। चलने के लिए तैयार है?
तैयार है? तो मेरा ये कमिटमेंट है, यहां से मैं वादा करके जाता हूं। मैंने महागुरु से वादा किया था, गुरुदेव कमिटमेंट किया हूं कि गुरुदेव 365 दिन में से 360 दिन वर्किंग करूंगा। आज मैं इस मंच से वादा करता हूं कि आज मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां आई हैं, जो लोग भी जीवन लगाए हैं मैं उनके जीवन को बेकार नहीं जाने दूंगा। एक एक आदमी के साथ मेहनत करूंगा और एक एक आदमी को उठा के यहां पे डायमंड शिप तक लेकर, मेरा ये वादा है आज के बाद। थैंक यू दोस्त। क्या अचीवमेंट की बात करूं, आज बस इतना ही बोलूंगा, जीवन बहुत ही लग्जरियस है। अचीवमेंट गिनाना छोटी सी बात है। आज इतने सारे लोगों के बीच में, आप हजारों लोगों के बीच में इतना बड़ा सम्मान मिला, जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है दोस्त। उसके पीछे जो काम हम करते हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, लेकिन विराम देने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा उन सभी मिस्टर दीपक यादव जी को, जिनका अभी भी रूबी का सम्मान हुआ है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक जी, और ऑल एमरल्ड लीडर्स को भी मैं वेरी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और मेरे मित्र जो मेरे साथी, जो इन्होंने मेरे साथ बिजनेस से शुरुआत करी थी, डायमंड बने हैं मिस्टर लोलेसर, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। लगातार आप जल्दी से डायमंड बने, जो एमरल्ड हैं जल्दी रूबी बने, और लोलेस जी के लिए बधाई शुभकामना कि जल्दी से आप डबल डायमंड बने। और आप लोगों के साथ भी मैं हूं, और मेरी ये शुभकामना है कि साल में बैठा हुआ हर आदमी डायमंड बने, डायमंड बने, डायमंड बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। नमस्कार, विश्व एंड गो डबल डायमंड।